महंत श्री कमलदास महाराज जी के पावन सानिध्य में भगवान शिव की कृपा से कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन तपस्वी जन गुरु द्रोणाचार्य जी की ये पवित्र भूमि गुरुग्राम हरियाणा जिसकी इस पवित्र पावन धरा पर स्वर्गीय श्री महेश जी यादव जी की स्मृति में पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ आप पूरा ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्री टेकराम जी यादव, श्री मुकुल जी यादव, श्री हर्ष जी यादव, श्री वर्धन जी यादव, श्री लक्ष्य जी यादव, यादव परिवार गुरुग्राम हरियाणा। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजा कर साधुवाद स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा का लाभ आप और हमको दिया है। कथा में विराजमान महंत श्री कमलदास जी महाराज जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा कर उनके लिए भी साधुवाद प्रणाम। ये पवित्र पावन भादो के महीने में आप और हमको यदि ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो कहीं ना कहीं भगवान देवदत्त महादेव की कृपा करुणा गुड़गांव वालों पर गुरुग्राम वासियों पर हुई है। अभी श्री वर्धन जी यादव जी बता रहे थे कि गुरुग्राम के इस गुड़गांव के कई शिव भक्त इस शिव महापुराण की कथा का बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे। श्री वर्धन जी यादव जी कह रहे थे कि गुड़गांव वासियों को बहुत दिन से इंतजार था और बहुत लंबे समय के बाद में गुरुग्राम की यह पवित्र भूमि पर ना जाने कौन सा पुण्य यादव परिवार ने किया और ना जाने कौन सा पुण्य ये गुड़गांव वासियों ने करा जो ये भादो के महीने में शिव महापुराण की कथा में। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते स्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भगूल खजाना गुहेर का हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयो शरण शंभु तार तेरी कृपा बिना न हिले एक भी
अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता, उसकी करुणा के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपके और हमारे कोई पुण्य प्रबल हुए हों, वैसे तो हरियाणा वालों के सबके पुण्य सारी सृष्टि के लोगों के पुण्य से ज्यादा प्रबल हरियाणा वासियों के पुण्य होते हैं हमारे। उसका एक कारण है कि भगवान कृष्ण ने गीता का अगर ज्ञान दिया है तो हरियाणा की पवित्र धरा से दिया है, पवित्र भूमि से। और जिस भूमि पर आप और हम कथा सुन रहे हैं, गुरुग्राम की भूमि, गुड़गांव की पवित्र धरा, इस गुरुग्राम की भूमि ने सिखाया था अर्जुन को इस गुरुग्राम की भूमि ने सिखाया था भीम को, युधिष्ठिर को, नकुल को, सहदेव को। इस गुरुग्राम की भूमि ने, इस गुणगांव की भूमि ने सिखाया था गुरु द्रोणाचार्य के माध्यम से कि अर्जुन वृक्ष पर बैठा हुआ तोता दिख रहा है, पर उसमें सबसे मुख्य दिखने वाली चीज क्या है। और इसी गुरुग्राम की भूमि से अर्जुन ने कह दिया था कि मुझे उस पक्षी की आंख नजर आ रही है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कह दिया था कि अपने लक्ष्य को देखो, बस अपने को अपना लक्ष्य देखो, अपने को अपना लक्ष्य नजर आना चाहिए, अपने को अपना लक्ष्य सम्मुख दिखना चाहिए, सामने नजर आना चाहिए। और वो लक्ष्य गुरुग्राम की इस पवित्र भूमि से गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को दिखा दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा ही लक्ष्य आपका और हमारा हो कि हम अपने लक्ष्य को देखें। पर दुनिया की जो रीति होती है, दुनिया का जो नियम होता है, दुनिया का जो क्रम होता है, वो अपने लक्ष्य को ना देखकर दुनिया का लक्ष्य देखता है। यीशु महापुराण की कथा 5 दिवसीय है, हरतालिका फुलेरा यीशु महापुराण की कथा गुरुग्राम से आप और हम श्रवण करेंगे। श्री वर्धन जी यादव जी ने कहा कि 3 तारीख से कथा प्रारंभ हो रही है, 7 तारीख तक चलेगी। और 3 तारीख का उन्होंने महत्व समझाया कि त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिलोकी के नाथ, त्रिनेत्रधारी की कथा आज 3 तारीख से प्रारंभ हो रही है। और वास्तवता है तीन चीजें हमारे सम्मुख में आती हैं, एक स्वयं के लिए देख लेना, एक अपने परिवार के लिए देख लेना, और एक संपूर्ण जगत के लिए देख लेना। एक स्वयं के लिए देख, एक परिवार के लिए देखना, और एक संपूर्ण जगत के लिए देखना। 3 चीजें हैं। ये जो वर्धन यादव जी सीहोर जब आए तो माता जी उनके साथ में थी, बहू रानी उनके साथ में थी, उनके
साथ में और भी परिवार के लोग थे, तो समिति के लोगों ने उनसे पूछा वर्धन जी से कि माता जी भी साथ में थी, कि ये कथा आप गुरुग्राम में ले रहे हो, गुड़गांव में ले रहे हो, तो वहाँ इतनी बड़ी जगह तो होगी नहीं, व्यवस्था करना बड़ा कठिन पड़ता है बड़ी बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में, तो ये कथा में लाखों लाखों भक्त आते हैं, कैसे व्यवस्था होगी, आप क्या छोटे रूप में कराएंगे कि बड़े रूप में कराएंगे? तो वर्धन जी का एक शब्द बड़ा अच्छा था, मैं इसके लिए वर्धन यादव जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनका शब्द था, ये कथा केवल हमारे लिए नहीं पूरे गुरुग्राम के लिए होना चाहिए, पूरे गुड़गांव के लिए होना चाहिए। मैं साधुवाद देता हूँ वर्धन जी आपको उसके लिए, बहुत बहुत साधुवाद, कि ये कथा केवल मेरे अपने लिए नहीं, ये कथा केवल मेरे अपने परिवार के लिए नहीं, ये कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, पूरे गुरुग्राम के लिए, पूरे गुड़गांव वासियों के लिए होना चाहिए, पूरे हरियाणा वालों के लिए होना चाहिए। तीन चीजें मेरे शंकर की पवित्र कथा कहती है कि तीन चीजें अपनी जिंदगी में होती है, एक अपना भला सोचना, दूसरा अपने परिवार का भला सोचना, और तीसरा संपूर्ण क्षेत्रवासियों का, संपूर्ण देशवासियों का, संपूर्ण क्षेत्रवासियों का कल्याण सोचना। और जिसने अपना, अपने परिवार का विचार छोड़ा और संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए अच्छा सोचना प्रारंभ करा, जगत में भोलेनाथ भी उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाना प्रयास करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा, शिव महापुराण की कथा यही वर्णन करती है। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, बड़े ध्यान लगाकर अगर कथा सुनेंगे, अपना चित्त, अपना मन, अपनी वृत्ति शिव में अगर लगाएंगे, पांच दिन इन पंचम इंद्रियों को अगर हमने हमारे भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दिया, पांच दिन हमने ये पंचम इंद्रियां भगवान शिव को दे दी, अपना भीतर मन चित्त वृत्ति को हमने शिव को दे दिया, तो ये निश्चित है कि आप यहाँ से खाली नहीं जाएंगे। जब पांचवें दिन जाएंगे तो आपकी झोली भी खुशियों से भरी होगी और अगली कथा में आपका भी पत्र होगा। बोलबम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है। एक सुंदर से प्रसंग से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो रही है, सुंदर से प्रसंग से, जिसमें श्री वेदव्यास जी ने देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र कहा, और बहुत सावधानी से सुनिएगा, बहुत दूर दूर से आए हो, 100 रुपये 50 रुपये 200 रुपये अपने खर्च कर कर आए, ऑटो से, रिक्शे से, गाड़ी से यहां पहुंचे हो, बहुत सावधानी से कथा को सुनिएगा, बहुत प्रेम से। एक देवराज नाम का ब्राह्मण का चरित्र कहा गया, और वो देवराज जिसने कभी शंकर भगवान के मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ी थी, वो देवराज जो कभी शिवालय तक नहीं गया, वो देवराज जो कभी भगवान शंकर की चौखट तक नहीं गया, जिसने कभी भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल भी समर्पित नहीं करा, कभी उसने भगवान शंकर का कोई शिवालय नहीं देखा, कभी उसने भगवान शंकर का कोई देवालय, कोई शिवालय या शंकर भगवान के मंदिर में कभी वो गया ही नहीं, शिव के द्वार तक वो पहुंचा ही नहीं,
और वेदव्यास जी कहते हैं कि देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेता है, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लेता है, पर कभी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता। एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लेना, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी अगर वो ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया तो उसका ब्राह्मणत्व कोई मतलब का नहीं। शिव ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना और ब्राह्मणत्व ना कर पाना तो फिर ये सोचनीय है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी देवराज। ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। समय निकलता गया, अपनी पत्नी अपने बच्चों का भरण पोषण वो आराम से कर रहा था, पर एक पर स्त्री का संग उसको मिल गया। अभी गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्य स्थली नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा में हमने कहा था, बन सके तो दो चीजों से दूरी बना लो, एक परिस्त्री और दूसरा परधन। पराई स्त्री और पराया धन व्यक्ति को कब बर्बाद कर देता है उसको खुद भी मालूम नहीं पड़ पाता है, खुद भी नहीं देखता। दो से दूरी बना लो, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि पर स्त्री पर विदल और उत्पल ने अपनी दृष्टि दी थी, पर स्त्री पर लंकाधिपति रावण ने अपनी दृष्टि दी थी, पर स्त्री पर कौरव में से दुशासन ने पर दृष्टि दी थी। पर स्त्री को यदि हम गलत विचार से भी अगर देख लेते हैं, गलत दृष्टि से भी देख लेते हैं, तो हमारा जीवन नाश होने में देरी नहीं लगती। दो चीजों से दूरी बनाओ, एक पर स्त्री और पर धन, ये दोनों बर्बाद करने वाले, ये दोनों नष्ट करने वाले। और देवराज ने सबसे बड़ी गलती करी कि देवराज अपनी घर में पत्नी थी, अपने घर में बच्चे थे, पूरा परिवार था, उनका भरण पोषण भी चल रहा है, उनका भोजन भी चल रहा है, उनका अच्छे से देखरेख भी चल रहा है, पर देवराज ने एक गलती करी कि एक सुंदर स्त्री के संग में वो पड़ गया। और एक स्त्री का संग ऐसा मिल गया उसको कि उस स्त्री ने, उस नारी ने देवराज से कहा कि रानी के गले में जो हार है, रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए। रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो मुझे चाहिए। बस एक पराई स्त्री के कहने पर वो हार लेने के लिए गया और दूत उसके पीछे पड़ गए और वो चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ गया और चोरी के धन को लेकर वो शिवालय तक पहुंच गया। अब देखो जरा विचार करिएगा, जिसने कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा, कभी शिवालय नहीं देखा, कभी शिव का द्वार नहीं देखा, कभी शंकर की चौखट नहीं देखी, कभी शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, अनायास
अचानक वो घूम फिर कर अगर कहीं से भी शंकर के चौखट तक जा रहा है, शंकर के दरवाजे तक जा रहा है, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि ये वो नहीं जा रहा, उसने उसके पूर्वजों ने उसकी 71 पीढ़ी में किसी ने अगर भगवान शंकर की आराधना करी होगी तो उस आराधना का फल ये रहा कि वो शंकर की चौखट तक अंतिम समय में पहुंच ही गया। ये उसकी आराधना का फल। ये उसकी आराधना का फल है कि वो अंतिम समय में शिव की चौखट तक पहुंच ही गया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता। और मैं श्री टेकराम जी यादव जी को, श्री मुकुल जी यादव जी को, श्री हर्ष जी को, श्री वर्धन जी को, श्री लक्ष्य यादव जी को और यादव परिवार को मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज के लिए कि आप अगर ये शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं, आपका तो पुण्य प्रबल हुआ ही है, पर आपके घर के माता पिता, दादा दादी और उनके भी कोई पूर्वज रहे हों, उनके पुण्य जब प्रबल हुआ होगा। वो कहते हैं कि छोटी सी गुल्लक जब बच्चा भरता है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, उसी तरह जब भगवान शंकर की कृपा होती है और कहीं हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा अपने परिवार में और अपने गाँव में हो पाती है। कोई पुण्य प्रबल हुआ। बिना पुण्यता का कुछ भी नहीं मिल सकता। कमी है क्या इस गुड़गांव में, इस गुरुग्राम में कमी है क्या? करोड़पतियों की, धनपतियों की, वैभवपतियों की, सत्तापतियों की, धनपतियों की कोई कमी है? नहीं। धनपति बहुत हो सकते हैं, करोड़पति बहुत हो सकते हैं, सत्तापति बहुत हो सकते हैं, वैभवपति बहुत हो सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पुण्यपति होना थोड़ा सा कठिन विषय हो जाए। पुण्यपति हो स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है, ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। ये संसार की रीति है, पहले बहुत सारा धन जोड़ने के लिए पूरे शरीर का त्याग कर देता है और फिर शरीर को ठीक करने के लिए पूरे धन का त्याग कर देता है। ये संसार की रीति है। कल हम जब यहाँ गुरुग्राम में पहुँचे यादव जी के घर पर, तो उसके पहले हम गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए गए। आते आते तो परिक्रमा करते करते वहाँ एक आवाज़ गूंज रही है उसको, परिक्रमा करते करते वहाँ पर एक माता जी से मिलना हुआ, तो वो माता जी बोल रही थी कि गुरु जी हम बहुत दिन से माला जाप करते हैं, पहले हमारा मन माला में लग जाता था, आजकल हमारा मन माला में नहीं लगता। हमने कहा माता जी जिसका मन माल में लग जाता है तो माला में नहीं लग पाता,
और जिसका मन एक बार अगर माला में लग गया तो फिर दुनिया के ठाट में और दुनिया के वैभव में नहीं लग पाता है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। माला जपते 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 तुम्हारा ध्यान भटक सकता है, माला जपते जपते तुम्हारा चित्त भटक सकता है, पर जीजियों ए मेरी हरियाणा की ताइयों और मेरे हरियाणा के ताऊ, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, विचार कर कर बताना, माला जपते जपते ध्यान भटक सकता है पर नोट की गड्डी गिनते गिनते ध्यान भटकता है? अरे बोलो तो जरा जमके, अच्छे से बोलो, जरा भटकेगा? और अगर भटक भी गया ना, पति ने कहा, सुनो, पति ने कहा पूरे 100 नोट हैं और तुमने जो गिनने बैठी और गिनते गिनते उसमें 99 निकले, जो 99 निकले तो पति से कहा इसमें तो 99 नहीं, मैंने 100 दिए हैं, गिन फिर से। अब की बार उतने और पहले जितनी लगन नहीं लगी थी ना उससे दुगनी लगन में उसने नोट गिनना चालू करा, फिर गिनी 1 2 3 4 5 6 और फिर लगन से नोट गिने, और जो लगन से गिने गिनने में उसने फिर कह दिया नहीं 99। पति ने कहा हो ही नहीं सकते, मैंने 100 दिए। इतने में पत्नी ने कहा तुम गिन ले, ले तू गिन ले, पकड़ गिनो तुम। और पति ने जो गिनना चालू करा कि जरा गिनो अच्छे से, तो पति ने फिर गिना तो वास्तव में वो 99 नोट थे। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने 1 नोट तुझे कम दिया था, पर सत्य मायने में तू नोट तो बड़ी लगनता से गिनती है, ये सिद्ध हो गया है, बड़ी लगनता से। माला के मन के गिनना, मन भटक सकता है, माला के मनकों से मन भटक सकता है, पर नोट की गड्डी से मन नहीं भटकता। शिव महापुराण की कथा कहती है जितना चित्त लगाकर तुम किसी कार्य को करते हो, जितना चित्त लगाकर तुम कोई कार्य करना चाहते हो, उस चित्त के साथ में जब तुम परमात्मा को पाने की भी लगनता, परमात्मा को पाने का भी लक्ष्य निश्चित करते हो, तो एक ना एक दिन मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभू त्रिकालदर्शी तुम्हारे सामने आकर खड़ा जरूर हो जाता है। एक निश्चितता में लक्ष्य बनाओ। नोट गिनते समय जैसे तुम्हारा चित्त केंद्रित है, धन गिनते समय जैसे तुम्हारा चित्त केंद्रित है, और डेंटिंग पेंटिंग करते समय तुम्हारे दर्पण के सामने चित्त केंद्रित है, जरा सी भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, एकदम जोरदार। पेंसिल से पहले लाइन खिंचाएगी, फिर डब्बा नयन। दर्पण के सामने तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, धन गिनते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, कुछ कार्य करते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, कपड़ा सिलते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, अपने लिए कुछ बनाते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, उसी तरह अपनी जिंदगी बनाने के लिए शिव के चरणों में भी तुम्हारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। शिव के चरणों तुम्हारा ध्यान, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छंगी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पत शंभो, मैं तेरी पत हवा बिच उड़ती जावानी, बाबा डोर हथो छंगी नाम
में कटी जवानी। अपने ध्यान को केंद्रित करें और जितना ध्यान केंद्रित होगा उतना शिव को पाने में देरी नहीं लगेगी। जितना केंद्रित होगा, क्यों, बेलपत्री को जब भी चढ़ाया जाता है तो पीछे की डंडी पकड़कर नहीं चढ़ाया जाता। बेलपत्री को चढ़ाने के लिए मध्य भाग को, जैसे यह बेलपत्र होता है तो इसका मध्य की जो डंडी होती है, मध्य भाग होता है बेलपत्री का, तब मध्य भाग को पकड़कर हम भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित करते हैं। कोई भी बेलपत्र ऐसे नहीं चढ़ाता कि डंडी पकड़ के चढ़ा दिया, फिर पीछे की डंडी पकड़ के चढ़ा दिया, फिर पीछे की डंडी पकड़ के चढ़ा दिया, फिर डंडी पकड़ा, फिर चढ़ा दिया, ना। मेरे देवाधिदेव महादेव को जब भी बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो मध्य भाग, पीछे की डंडी पकड़कर नहीं, मध्य भाग से भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित किया जाता, मध्य भाग से जब भी पकड़ेंगे तो मध्य भाग को पकड़कर बेलपत्र समर्पित करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने भगवान शिव को मध्य भाग पकड़कर इसलिए समर्पित करा कि यह केवल बेलपत्र का मध्य भाग नहीं है मेरे शंभू, मेरे हृदय के मध्य भाग को मैं आपके चरणों में समर्पित कर रही हूं, मेरा दिल, मेरा हृदय, मेरा चित्त मैं आपको दे रहा हूं, मध्य भाग। एक विश्वास के साथ दे रही हूं। एक मां बैठी है, मैं रेणु चौहान, मेरे पति का नाम संदीप चौहान, जसपुर उद्धम सिंह नगर उत्तराखंड की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। और अगर बैठी हो और साथ में बच्चा आया है तो उसको लेकर आ भी सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको लेकर आ सकती हैं। व्यासपीठ, मैं रेणु चौहान, मेरे पति का नाम संदीप चौहान, मैं जसपुर उद्धम सिंह नगर उत्तराखंड की निवासी हूँ। मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरी शादी के मैंने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल केवल बच्चे का इंतजार करा कि मुझे संतान होगी। पर मैंने जिस जिस डॉक्टर साहब के पास में जाकर चेकअप कराया, मेरे पति के साथ में गई और डॉक्टर को मैंने चेकअप कराया, मैंने दिल्ली तक नहीं छोड़ा, सब दूर इलाज करवाया, पर डॉक्टरों का कहना था कि मैं माँ नहीं बन सकती, संतान नहीं हो सकती। सब दूर से हार गई 11 साल मेरी शादी को हो गए। तब मेरी सहेली ने बताया कि टीवी पर कथा आती है शिव महापुराण की, उसको सुनना चालू कर। मैं आपको नहीं जानती थी, टीवी खोली, आस्था चैनल पर पहली बार आपकी कथा आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर सुनी, और एक कथा नहीं, कई कथाएं मैंने सुनी। आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, सफेद आंकड़े की जड़ लाई, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से अपनी कमर पर बांधना, एक बार करा नहीं हुआ, दो बार करा नहीं हुआ, तीन बार करा नहीं हुआ। फिर आपकी कथा में सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। फिर हमने सोचा कि हमारे पास में तो कहीं कथा हो नहीं रही तो कहां जाए। फिर मैं नोएडा में कथा थी, वहां पर मैंने केवल एक दिन की कथा नोएडा की श्रवण करी, और वहां बैठकर मैंने बाबा से विनती करी, बाबा सारी दुनिया की झोली भरते हो तो मेरी खाली क्यों रख दी। केवल 1.5 महीना निकला और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया,
और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि 11 साल के बाद मुझे मेरे बाबा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो चलते ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। प्रणाम करो, प्रणाम करो। शंभो शंभो शंभो, मुझे बहुत सारा धन्यवाद है आपकी कृपा है। पांच साल, छह साल, सात साल, आठ साल, दस साल, ग्यारह साल इंतजार करती रही पर संतान का सुख नहीं। पंडाल में बैठकर एक बार कथा का रसपान किया और बाबा ने कृपा करी। रेणु चौहान, पति का नाम संदीप चौहान, जयपुर उद्धम सिंह नगर उत्तराखंड की निवासी। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधु का शिव तत्व की प्राप्ति। फिर निवेदन करूंगा, यहां जितने बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, आप बहुत दूर दूर से कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, दिल से सुनना। कहीं यादव परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई है और उनसे ज्यादा कृपा आप पर हुई है जो ये कथा गुरुग्राम की भूमि पर हो रही है। दिल से सुन, थोड़ा मन लगाकर, चित्त लगा। पड़ोसन अगर कुछ भी बोले तो कहना जवाब में कथा के 3 घंटे बाद दूंगी, मेरे को अभी सुन लें दे। मुझे बाबा के दरवाजे पर आकर झोली भर, मुझे सुन। एक चित्तवृत्ति शिव को दे। हम भगवान को सब कुछ देते हैं, हमने भगवान का भोग भी लगाया, वस्त्र भी दिया, आभूषण भी दिया, धन भी दिया, सब कुछ भोलेनाथ जी को सब कुछ हमने भगवान को दिया, पर अपना मन नहीं दे पाते, दिल नहीं दे पाते, हृदय नहीं दे पाते। और वही देना है। एक शुमा पुराण का बड़ा सुंदर चरित्र है। एक सेठ जी के घर में संतान का सुख नहीं था। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सेठ जी के घर में औलाद नहीं थी। सेठ, सेठानी दोनों के घर में जब औलाद का सुख नहीं था, पर मन चित्त कभी ना सेठ जी का चित्त ना सेठानी का चित्त कभी भी भगवान की ओर नहीं गया। दोनों के घर में औलाद नहीं, पर संतान का सुख नहीं है, पर दोनों का चित्त कभी शिव जी की ओर नहीं गया, कभी नहीं।
कभी कभी जीवन में ऐसी घड़ी आती है जब बहुत चिंता भी व्यापने लगती है ना, बहुत टेंशन भी आ जाता है ना, तो भी लोगों का मन भगवान की ओर नहीं जा पाता। कई बार चित्त नहीं गया, सेठ कभी किसी गौ माता को एक रोटी ना देता, सेठ कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराता, कभी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाता, कुछ भी नहीं। सेठानी का स्वभाव भी ऐसा ही था कि वो कभी किसी को कुछ नहीं देता। हमने पहले भी एक कथा में कहा है, पति भगवान का भजन करने वाला मिले और पत्नी भी भगवान का भजन करने वाली मिले तो समझ लेना कि बड़ी कृपा तुम्हारे पितरों की और तुम्हारे पूर्वजों की हुई है। मान लो पति पत्नी में से पति भगवान का भजन करने वाला मिले और पत्नी भगवान का भजन करने वाली नहीं मिले तो भी समझना कि भगवान की कृपा। मान लो पति भगवान का भजन ना करे और पत्नी भगवान का भजन करे तो भी मान लेना कि भगवान की बड़ी, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, कृपा। और अगर पति और पत्नी दोनों ही सीताराम है, ना पति कभी भगवान का नाम ले ना पत्नी कभी भगवान का नाम ले, ना पति कभी धर्मात्मा, ना पति कभी भूखे को भोजन कराए, ना पत्नी कभी भूखे को भोजन कराए, ना पति किसी के लिए खड़ा हो ना पत्नी किसी के लिए खड़ी हो, तो समझ लेना कि फिर तो सीताराम तो सीताराम, राधेश्याम तो राधेश्याम नहीं है। समझ, मुश्किल। वर्धन जी, यादव परिवार, काका जी चाचा जी आपको भी कहेंगे हम, और पूरे वर्धन परिवार को, श्री टेकराम जी को, मुकुल जी को, हर्ष जी को, लक्ष्य जी, वर्धन जी, सबको कहेंगे। ये गुरु ग्राम की एक वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। कौन सी? लोग बोल के लिखकर भेज रहे हैं कि हमने, कई शिवभक्त यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने दो कथा तीन कथा कहीं नोएडा की सुनी, कहीं कहीं की सुनी, कहीं कहीं की सुनी, पर यहाँ की एक वीडियो में लोग लिखकर भेज रहे हैं कि यहाँ पर एक तो बैठने की व्यवस्था और दूसरी यहाँ की भोजन व्यवस्था इतनी सुंदर है गुरुजी कि उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। ये लिख के भेज रहे, एक भोजन व्यवस्था शिव भक्तों के लिए, जो रात्रि को रुकने वाले भक्त हैं शंकर के, जो आ जाते हैं शिव के भरोसे, शंकर के भरोसे आए बैठ गए, उनके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था। उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। शिव तत्व इसी को, सेठ और सेठानी दोनों ने कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, कभी किसी को अन्न का भाग नहीं दिया, कभी कोई सेवा नहीं करी, कभी कोई शिव की आराधना नहीं करी, कभी राम की आराधना, कभी कृष्ण की आराधना, कभी दत्त की आराधना, कभी देवी की आराधना, किसी की आराधना नहीं करी। संतान का सुख नहीं। अब एक दिन भूलवश ना पत्नी ने ना पति ने किसी ने नहीं सोचा था, भूल सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ गई भूलवश, और सोमवार के दिन जैसे ही अष्टमी तिथि पड़ी और इनके बगीचे से जो गूंज रहा है ना, इसको थोड़ा कम करो, डीले कम करो थोड़ा। भूलवश सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ी और सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ने पर भूलवश इनके बगीचे में से कोई बेलपत्री का वृक्ष लगा हुआ था, कोई पुष्प का वृक्ष लगा हुआ था, उसमें से कोई फूल बेलपत्र
तोड़ कर ले गए। अच्छा, दोनों की सेठ सेठानी का मन ऐसा था कि ना तो ये फूल किसी को तोड़ने देते, ना बेलपत्री किसी को तोड़ने देते, ना कुछ, और तो और कि हमारे बगीचे का कोई सामान ना तोड़ ले, उस चक्कर में इन्होंने कुत्ता भी रख रखा था कि कोई हमारे बगीचे में ना घुस जाए, कोई हमारे बगीचे में ना पहुंच। अब जरा तुम अंदाजा लगाइएगा कि कितना विचित्र संसार हो गया, कितना विचित्र समय हो गया। पहले व्यक्ति जानवर से डरता था, आज के जमाने में व्यक्ति इंसान इंसान से डरता है। और इंसान हम पर घात ना कर दे, उसलिए इंसान जानवर का साथ लेता है, कुत्ते को पाल कर रखता है कि कोई हमारे यहां प्रवेश ना कर दे। सेठ सेठानी के बगीचे में से कोई ने बेलपत्र निकाल ली, कोई ने पुष्प ले लिया और ले जाकर, सोमवार की अष्टमी थी, अंदाजा नहीं लग पाया, ध्यान नहीं रख पाया, और सोमवार की अष्टमी के दिन भूलवश इनको नहीं ध्यान में, कोई दूसरे ने तोड़ा, दूसरे ने लिया और शंकर जी के मंदिर में जाकर वो बेलपत्री और पुष्प समर्पित कर दिया। जैसे ही बेलपत्री और पुष्प समर्पित हुआ, हमने पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है, तो ये मान कर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। भूलवश सोमवार की अष्टमी के दिन अगर भूलवश भी अगर हमारे हाथ से एक बेलपत्र, एक पुष्प शिव को समर्पित हो जाए, तो समझ लो कि कहीं शंकर की उदारता, कहीं शिव की कृपा। सेठ सेठानी के दरवाजे से कोई बेलपत्री तोड़ कर ले गया, कोई पुष्प तोड़ कर ले गया, भगवान को सोमवार की अष्टमी के दिन समर्पित कर दिया, शिव की कृपा से, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, जिसके बगीचे से तोड़ कर लेकर गए थे, जिसके घर से तोड़ कर लेकर गए थे, जिसके बगीचे से, जिसके घर से बेलपत्री और फूल तोड़ कर लेकर गए थे, मेरे शंकर भगवान ने उनके घर में भी एक पुष्प दे ही दिया, उनके घर में फूल जैसा बेटा दे ही दिया, एक पुत्र हो गया। एक फूल जैसा बेटा उनके घर में जन्म ले लिया, जिसका नाम बज्र सुमन हुआ। क्या नाम पड़ा? जम के बोलिए जरा, बज्र सुमन। क्योंकि फूल तोड़कर कोई दूसरा लेकर गया था, पुष्प तोड़कर लेकर गया था, इसलिए उसका नाम बज्र सुमन हुआ। बेटे ने जन्म ले लिया बज्र सुमन ने। बज्र सुमन धीरे 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 बड़ा होने लगा बज्र सुमन। अब बज्र सुमन धीरे 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 बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते शंकर भगवान के प्रसाद के द्वारा हुआ था, इसलिए बज्र सुमन शिव का भक्त थे। पिताजी दुकान पर लगाते, बज्र सुमन दुकान पर नहीं जाते। पिताजी काम से भेजते, बज्र सुमन हाथ में जल का पात्र लेकर शिव के पास चले गए, शिव भक्ति में डूबने लगे, शिव भक्ति में तल्लीन, बड़ा उत्साह उसके अंदर रहता, बड़ा उत्साह, बड़ा उत्साह। सब दुख काटो शिव शंकर जतु तेरा, बोले बाबा जतु तेरी माला, भोला सब दुख काटो हो भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश
मंगलकारी शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रहे, देवाधि महादेव का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा। वज्र सुमन बड़े हुए, उनका विवाह एक सेठ की कन्या मंदाती के साथ हो गया। सोमवार की अष्टमी पर चढ़ाए गए बगीचे के पुष्प से इसको पुत्र की प्राप्ति हो गई, सेठ को बेटा हो गया वज्र सुमन और उसका विवाह हो गया मंदाती के साथ। विवाह हो गया पर मंदाती, वज्र सुमन तो शिव जी की आराधना में लगे रहते, वज्र सुमन तो भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते, वज्र सुमन तो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे रहते, पर मंदाती का मन शिव तत्व में लगता ही नहीं। अभी आपको कथा में कहा कि पति अगर भजन करने वाला है और पत्नी अगर भजन नहीं करती तो भी भगवान की कृपा समझो, पत्नी भजन करे और पति ना करे तो भी भगवान की कृपा समझो, और पति पत्नी दोनों ही भगवान की भक्ति ना करे तो समझ लो फिर सीताराम जी है। पर कृपा देखिए शिव की, वज्र सुमन भगवान की भक्ति करता है, मंदमती है मंदाती कभी भगवान की भक्ति में नहीं लगी, मंदाती शिव भक्ति करती ही नहीं। और फिर निवेदन है मेरी हरियाणा की जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, माताओं से, मेरे भाइयों से, तुम्हारे मन में कभी यह मत लेकर आना कि मैं मंदिर जाती हूं मेरी देवरानी नहीं जाती, मैं मंदिर जाती हूं मेरी जेठानी नहीं जाती, मैं मंदिर जाती हूं मेरी बहू नहीं जाती, मैं मंदिर जाती हूं मेरा बेटा नहीं जाता, मैं मंदिर जाती हूं मेरा पति नहीं जाता। कभी तुम्हारे मन में यह भाव लेकर मत आइए, कभी यह भाव लेकर मत आओ, बल्कि भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते ये जरूर कहना, प्रभु ऐसी कृपा जरूर करना कि जो मंदिर नहीं आ रहे हैं एक दिन तेरी कृपा से वो भी शिवालय आना प्रारंभ कर दे, शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ, इतनी कृपा जरूर कर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक तू कृपा करेगा तो सब कुछ हो सकता है, तू करुणा करेगा तो सब कुछ हो सकता है, तू दया करेगा तो सब कुछ हो सकता है, तू कृपा कर। बाबा की कृपा ऐसी हुई। आज मंदाती के मामा जी ने अपनी भांजी और अपने भांजा दामाद दोनों का भोजन प्रसाद रखा, दोनों के लिए निमंत्रण आया और दोनों के लिए भोजन की व्यवस्था करी गई मामा जी के यहां। बहू ने कहा, मंदाती ने अपने पति से कहा, सुनो मेरे मामा जी के यहां भोजन है, आपका और मेरा, आप भांजी दामाद हो, आपका और मेरा दोनों का भोजन है, चलिए चलो। पति ने मना करा, देखो आज मैं नहीं जा सकता, आज मेरा मन नहीं है जाने का, मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं नहीं जाऊंगा। पर पत्नी तो पत्नी थी, थोड़ी जिद पे अड़ गई। थोड़ी प्रीति मामा जी से ज्यादा थी तो वो प्रीत सामने अड़ रही थी, कैसे नहीं चलोगे। सास को मालूम पड़ा कि मेरी बहू जिद पर अड़ी हुई है कि मामा जी के यहां भोजन है और बेटा जाने को तैयार नहीं है, तो सास ने अपने पुत्र को बुलाकर समझाया, ए वज्र सुमन अगर बहू कह रही है तो चले जाओ,
व्यर्थ का क्लेश मत मचाओ, जाओ मामा जी के भोजन करने जाओ। वज्र सुमन ने कहा ठीक है माँ, अगर तुम कह रही हो तो मैं भोजन करने जाता हूँ। वज्र सुमन और मंदाती दोनों भोजन के लिए जाने लगे। चलते चलते बीच राह में मंदाती ने बहती हुई खूब अच्छी उफनती हुई नदी को देखा और देखते से ही पत्नी का मन लगा। मंदाती ने कहा देखो आज और आप और हम कभी भ्रमण के लिए नहीं निकले, आप और हम कभी घूमने के लिए नहीं निकले, आज पहली बार मैं मामा के यहाँ जा रहे हैं, बीच में ये नदी पड़ी है, क्यों ना अपन स्नान करें, क्यों ना अपन स्नान करें। पति ने मना कर दिया वज्र सुमन ने, मैं नहीं नहाता, मैं स्नान नहीं करता। पत्नी जिद पे अड़ गई है, मुझे तो स्नान करना है और तुम्हें भी मेरे साथ स्नान करना पड़ेगा। वज्र सुमन ने अपनी पत्नी से कहा सुनो मंदाती, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता। मंदाती हमारा शास्त्र कहता है जिस नदी को हम पहचानते नहीं हैं, जिस तालाब को हम पहचानते नहीं हैं, जिस कुएं को हम जानते नहीं हैं, जिस बावड़ी को हम जानते नहीं हैं, उसमें उतरना नहीं चाहिए, यह हमारा शास्त्र कहता है। मैं कैसे उतर जाऊं। मंदाती ने जिद पकड़ी। मेरा निवेदन है कई माताओं से, कभी भी जिंदगी में अपने पति के साथ अगर भ्रमण पर जा रहे हो, अपने पति के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, अपने पति के साथ किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, अपने पति के साथ कहीं शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, कहीं किसी कार्य में जा रहे हो, तो मेरा माताओं से भी निवेदन है और पतियों से भी निवेदन है कि आपस में इतना तालमेल बनाकर चलना, तुम्हारी घर में कितना भी क्लेश होता हो पर दुनिया के लोगों को यह मालूम ना पड़ पाए कि तुम्हारे भीतर कितना क्लेश है, दुनिया के लोगों को मालूम ना पड़े। इतना तालमेल बनाकर चलिएगा, इतना ताल, दुनिया के लोगों को यह मालूम ना पड़े कि तुम्हारे अंदर कितना क्लेश है। देवरानी जेठानी, सास बहु, भाई भाई, माता पिता बच्चों के बीच में वो तालमेल होना चाहिए कि घर में कितना भी क्लेश हो पर सामने वालों को मालूम ना पड़े कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्लेश क्यों है, कैसा है, सामने वालों को मालूम ना पड़े। भीतर रखो, बाहर प्रकट मत करो। जो महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी को क्रोध आ गया था, क्यों, क्योंकि गणेश जी महाराज को प्रथम गिनती में रखा गया और षडानंद कार्तिकेय को उसका कोई फल नहीं मिला, क्रोध आ गया। षडानंद कार्तिकेय को जब क्रोध आया, देवताओं ने आकर देखा कि षडानंद कार्तिकेय को क्रोध आ रहा है और क्रोध में षडानंद कार्तिकेय श्री सेलम पर जाकर विराजमान हो गए। जब श्री सेलम पर कार्तिकेय जी बैठे, इंद्र ने जाकर पूछा क्यों कार्तिकेय, आप अपने पिता पर क्रोध कर रहे हो, क्यों कार्तिकेय, तुम्हारे भाई को ज्यादा सम्मान मिल गया इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है, क्यों कार्तिकेय, तुम्हारे भाई का नाम सब दूर चल रहा है इसलिए तुम्हें क्रोध आ रहा है। षडानंद कार्तिकेय जी ने उसी समय इंद्र से कहा इंद्र तुम व्यर्थ की बात ना करो, गणेश मेरे दिल में बसता है, मेरे पिता मेरे दिल में बसते हैं, मेरी माँ मेरे दिल में बसती है, मेरा परिवार मेरे दिल में बसता है। तो फिर तुम अपने माता पिता से रुष्ट होकर, तुम अपने माता पिता से नाराज होकर ये श्रीशैलम में आके क्यों बैठ गए। षडानंद कार्तिकेय ने कहा अगर मैं घर में रहता तो मेरे माता पिता मुझे तप साधना नहीं करने देते, वो कहते कि तुम्हारे बत्तल की, तुम्हारे हिसाब की तप साधना मैं कर रही हूं। यहां जितनी माताएं बैठी हैं ना, कभी कभी अपने बेटे से कह देती हैं, बेटा कहता है मम्मी मुझे अष्टमी का व्रत करना है, मम्मी मुझे प्रदोष का व्रत करना है, मम्मी मुझे सोमवार का व्रत करना है, तो घर में जितनी माताएं रहती ना वो अपने बच्चे से कहती तुझे क्या जरूरत है व्रत करने की, मैं कर तो रही हूं, मैं कर रही हूं ना, तुझे क्या जरूरत है करने की, मैं कर रही हूं ना,
कई कई माताएं कहती हैं कि मैं कर रही हूं ना, तुझे क्या जरूरत है। षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं इंद्रदेव से, इंद्रदेव तुम यह मत सोचना कि गणेश मुझसे दूर है, मेरे माता पिता मुझसे दूर हैं। षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं इंद्र सब मेरे दिल में बसते हैं, पर मेरे माता पिता मुझे तप साधना नहीं करने देते, इसलिए मैं श्री सेलम पर आकर तप साधना करने के लिए यहां पर निवास कर रहा हूं, यहां रहे। ये मेरे भीतर की बात, ये मेरे अंदर की बात है, ये मेरे भीतर की बात है, यहां मेरे। बहुत लोग मिलते हैं, देवर देवरानी अगर दूसरे मकान में रह रहे हैं, जेठ जेठानी दूसरे मकान में रह रहे हैं, तो देवरानी के पास में भी ढेर जाएंगे और जेठानी के पास में भी बहुत जाएंगे। क्यों? क्या तुम्हारे जेठ ने तुम्हें हिस्सा नहीं दिया? क्यों? क्या तुम्हारे देवर ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? क्यों? तुम्हारे मामा जी ने, तुम्हारे काका जी ने कुछ नहीं किया? क्यों? तुम्हारी बुआ जी ने, फूफा जी ने कुछ नहीं किया? दुनिया के लोग, प्रपंच रचने वाले ढेर आएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो जरा अपन रहो मस्त। क्यों व्यर्थ की बातें करना? शिव स्तुति में अपना चित्त लगा। एक पत्र है, मैं संतोष कसारिया, मेरे पति का नाम राजेश कसारिया, कहीं बैठे हो, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर भी पढ़ सकते हैं, एलईडी पर आस्था चैनल पे पत्र चलता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्री लेने के लिए यहां आ सकती हूं। मैं संतोष हिसार, मैं संतोष कसारिया, राजेश कसारिया हिसार से हूं, हिसार हरियाणा की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति के गले में गठान हो गई, दिसंबर 2023 में हमने जगह जगह पर दिखाया, हिसार के हॉस्पिटल में दिखाया, फिर हम लोगों ने बाहर जाकर भी दिखाया। डॉक्टरों ने कहा कि ये गठान का ऑपरेशन होगा और गठान निकालकर जांच होगी। ऑपरेशन का खर्चा पूछा गया तो 3.5 लाख रुपए का खर्चा ऑपरेशन का बताया। हमने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब हमें कुछ दिन दे दीजिए, हम वापिस आकर ऑपरेशन करा लेंगे, हम क्योंकि हमारे पास में इतना पैसा नहीं था गुरु जी, तो हम झूठ बोलकर घर आ गए। और घर आने के बाद आंखों में जल भरकर इतने रोए ना गुरुदेव कि एक तो पति के गले में गांठ हो गई, खाना खाते नहीं बनता, महीने निकलते जा रहे थे और उनके गले में से पानी भी निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, पैसा इतना नहीं था कि ऑपरेशन करा सके, और डॉक्टर घबरा भी रहे थे कि बीमारी कोई दूसरी है और इसका ऑपरेशन जरूरी है, बड़ी बीमारी कैंसर तक से योग बने, क्या करें। पति के मुख में पानी भी नहीं जा पा रहा था,
तभी सब्जी का ठेला चलाने वाला, जो तरकारी भेजने वाला बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, उसके यहां से मैं सब्जी खरीद रही थी, उसी ने मुझसे कहा कि बहन जी आप रोज थोड़ा सा सामान लेती हो, क्या बात है? पति को गले में गांठ हो गई है और डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, वो कुछ खा पी नहीं सकते, मैं अकेली क्या लूं? उसके कहने पर मैंने शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री लेकर आती, उनसे खाते नहीं बनती, उसको पीस कर थोड़ा सा मुंह में दे देती और शिवजी पे चढ़े हुए जल को लाकर उनको पिलाने का प्रयास करते। गुरुदेव, पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। दुनिया के लोग मुझसे पूछें कि शिव की करुणा क्या होती है। 20 दिन निकल गए, 20 दिन तक रोज शंकर का चढ़ा हुआ जल लाती, उनके मुख में देती, धीरे 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 दो दो बूंद देती, फिर चार बूंद देती, फिर थोड़ा कटोरी भर कर देती, धीरे धीरे उनको मुख में पानी जाना चालू हुआ, पानी जाना चालू हुआ। फिर मैंने बेलपत्री खिलाना प्रारंभ करी, बेलपत्री खिलाती, उसके बाद उन्होंने भोजन करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, डॉक्टर ने कहा अब इनके गले में गठान नहीं है और बाबा ने इनको उस लायक कर दिया कि अब वो भोजन भी कर रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं और मेरे पति बिल्कुल ठीक है। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। संतोष जी कसारिया, राजेश कसारिया हिसार से हैं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना सकते हैं। भोले तेरे चरणों घर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता बाबा तकदीर बदल जाए। अगर दिल से हृदय से शिव तत्व को प्राप्त किया तो शिव क्यों ना सुने। पति मना कर रहा है, पत्नी कर रही नहीं नदी में नहाना पड़ेगा, पति कर रहा है मुझे तैरना नहीं आता, पत्नी कहती है चलो मेरा हाथ पकड़ो और नदी में चलो, हाथ पकड़ो मेरा चलो नदी में, पति मना कर रहा है, मैं घर से नहाकर आया हूं, मामा जी के यहां भोजन करेंगे वापिस आ जाएंगे, मैं नहाकर आया हूं। हाथ पकड़ो मेरा चलो चलिए, और चले। पति अपनी पत्नी मंदाती को समझा रहा है, मान ले मेरा कहना, मान ले, मेरे बस का, मेरे बस का नहीं। पत्नी ने हाथ पकड़ा पति का, खींच के नदी में ले गई। जो पति पत्नी दोनों पानी में गए, पति का हाथ छूट गया, पति को तैरना नहीं आता था, पानी में बह गया। पत्नी पानी से बाहर निकल गई, चिल्लाने लगी मेरा पति पानी में बह गया, मेरा पति पानी में बह गया, रोने लगी, चिल्लाने लगी। रोते 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 पति 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा इंतजार करा, पति नहीं आया। रोती रोती अपने मामा जी के यहां पहुंच गए, भांजी आई है। मामा जी को सूचना मिली कि भांजी तो आई, पर भांजी दामाद नहीं आया। मामा जी ने पूछा, बेटा तू अकेली? मामा जी तुम्हारे भांजी दामाद भी आए थे, हम दोनों पानी में नहाने के लिए नदी में उतरे,
तुम्हारा दामाद पानी में बह गया, रो रही है, वो चले गए, वो चले गए। मामा जी ने उर देखी ना पुर, अपनी भांजी को खाना तक नहीं खिलाया कि भांजा दामाद नहीं आए तो मैं भोजन भी नहीं कराता। रोती हुई भांजी बाहर निकल गई, रोती हुई बाहर निकली, और बाहर निकलते निकलते फिर नदी के तट पर पहुंची। उसने विचार करा, अब अपने ससुराल वापिस चली जाऊं, पर मन में विचार करा, जब मायके के सगे मामा ने मुझे भोजन नहीं दिया, मामा ने मुझे नहीं रखा, तो मेरे ससुराल वालों को मालूम पड़ेगा कि उनका लड़का नहीं रहा, जो इतने सालों के बाद बेटा हुआ वो बेटा नहीं रहा, उनको मालूम पड़ेगा कि मेरी जिद के कारण मेरा पति चले गया, तो उनको मालूम पड़ेगा तो ससुराल वाले क्या रखेंगे। अब रोने लगी, क्या करूं। नदी के तट पर गई, थोड़ी सी आगे बढ़ी, आगे बढ़ते सी उसने क्या देखा, खूब बिलक बिलक कर रो रही थी, खूब बिलक के रो रही थी, और रोते रोते सामने से एक बूढ़ा, एक बुजुर्ग, एक बुढ़ा सा व्यक्ति आ रहा था। घर में, गांव में, नगर में, शहर में, परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहना चाहिए, होना चाहिए। घर में बुजुर्ग का सम्मान होना चाहिए, बूढ़ा व्यक्ति घर के अंदर होना चाहिए। क्या फल मिलता है? रावण की सेना में भी एक बुजुर्ग था और राम जी की सेना में भी एक बुजुर्ग था। राम जी की सेना में भी एक बूढ़ा था और रावण की सेना में भी एक बूढ़ा था। रावण की सेना में रावण के नाना माल्यवंत बूढ़े थे, राम जी की सेना में जामवंत बूढ़े थे। दोनों में अंतर है, रावण बूढ़े माल्यवंत के कहना मानता नहीं था और हनुमान जी बिना जामवंत के कहीं जाते ही नहीं थे। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। रावण बूढ़े का कहना नहीं मानता था, रावण बुजुर्ग का कहना नहीं मानता था, रावण बूढ़े का कहना नहीं मानता था। माल्यवंत समझाते थे, मानता नहीं था। नाना जी समझाते थे, मानता नहीं था। माल्यवंत बूढ़े के कहने पर नहीं चल, रावण बूढ़े के कहने पर नहीं चलता था, बुजुर्ग के कहने पर नहीं चलता था। और हनुमान जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो जामवंत से पूछते हैं कि आप मुझे आज्ञा करें, मैं क्या करूं। जामवंत ने कहा कि ऐसे जाओ, ऐसा करना, वैसा करना, और रावण जी चल, हनुमान जी चल देते हैं, हनुमान जी चल देते हैं। घर के बुजुर्ग के कहने पर अगर तुम चले हो तो यह पक्का है एक दिन लंका में आग लगाकर ही बनोगे, ये निश्चित है। थोड़ा बुजुर्ग का सम्मान हो। शिव महापुराण की कथा कहती है माता पिता का घर में आदर होना चाहिए, बुजुर्ग का सत्कार होना चाहिए, बूढ़े का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। थोड़ा आदर हो माता पिता का, सम्मान, सत्कार। चले, बैठी थी मंदाती, आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बुजुर्ग सामने से, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक बूढ़ा सा व्यक्ति सामने से निकल कर आ रहा था। संत ने पूछ लिया, बेटी क्या हो गया, क्यों रो रही हो, क्या हुआ है तुमको, तुम्हारे रोने का कारण क्या, क्यों रो, किस लिए रो रही हो। कहा, मैं तुमको क्यों बताऊं, मेरे रोने का कारण मैं तुम्हें क्यों बताऊं। संत ने, बूढ़े व्यक्ति ने फिर पूछा, बेटी क्यों रो रही हो, बताओ तो सही, आखिर क्यों रो रही हो, क्या हो गया। इतने में मंदाती ने कहा, बाबा मेरा पति पानी में नहा रहा था और डूब कर मर गया, ना जाने कहां चले गया, आज मेरे पति को गए हुए पूरा दिन हो गया, रात हो गई, सुबह हो गई, पर मेरा पति नहीं मिलता, मर गया, पानी में बह गया, उसको तैरना भी नहीं आता था।
बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटी मैंने किसी के मुख से सुना है, किसी के मुख से सुना है, अब जरा विचार करो, ये बहन ने, वो सिरसा वाली बहन ने लिखा कि मेरे को सब्जी के ठेले वाले ने कहा, यहां पर वो बाबा कह रहा है, यहां पर बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि मैंने किसी के मुख से सुना है। कि अगर घर में दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, कोई परेशानी आई है, तो पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा जाए और सात वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर सात आचमन जल, सात चुल्लू जल शिव को चढ़ाया जाए और सात वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शंकर पर चढ़ाया जाए तो दुख कट जाता है। इतने में तुम तुरंत मंदाती को गुस्सा आ गया और मंदाती को क्रोध आया और मंदाती ने कहा, ए बूढ़े तुझमें अकल नहीं है, मेरा पति पानी में बह गया और तुम उससे कह रहा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, सात चुल्लू जल, सात आचमन जल, सात चुल्लू जल में भगवान को चढ़ाऊं और सात वृक्ष की पत्ती लाकर चढ़ाऊं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटी मेरी बात मान ले, सोमवार की अष्टमी के दिन सात चुल्लू जल या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं सात बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर जब सात बार जल दिया जाता है, दल चढ़ाया जाता है, सात वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है, कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। एक हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन, इधर हरियाणा में हरतालिका तीज होती है कि नहीं होती, हमको नहीं मालूम, नहीं होती, अगर नहीं भी होती है तो प्रयास करा करो कि शंकर जी के मंदिर में, अगर कहीं हरियाणा में हरतालिका तीज नहीं होती है तो शंकर के मंदिर में अपनी तरफ से एक डलिया लेकर या बांस की छबड़ी लेकर उसमें मालाएं लटकाकर शंकर के ऊपर जैसे वो जलाधारी लगी रहती है वैसे फूल की फुलेरा लगाना चाहिए। और मेरा निवेदन है यहां बैठी हुई सारी माताओं से, आपके नजदीक में जो शिव मंदिर हो, प्रयास करना कि हरतालिका तीज के दिन अपनी तरफ से एक फुलेरा अपने घर में तैयार कर लो, माला ही तो लटकाना, एक फूल झूमर जैसा। हो सका तो हम कल बताएंगे, बोलेंगे इनको यादव परिवार में, वर्धन जी की माता जी को या उनकी चाची जी को बोलेंगे तो वो बना के लाएंगी, तो हम आपको दिखाएंगे कल कि फुलेरा कैसा होता। एक गोल या चौकोर कोई रिंग, उसके अंदर मालाएं लटकी, फुलेरा वो लगाए सामने, देखो पीछे लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, कैमरे वाले उसको जरूर दिखाएंगे, एक गोल, और भी हम कल एक बना के ले आएंगे तो आपको दिखा देंगे, फूले बन सके, प्लास्टिक के फूल का नहीं, ताजे फूल का, घर में मिल जाए फूल ऑन या बाजार से माला लेकर उसका निर्माण कर प्रयास करो। कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन सात पत्ती, सात जल के पात्र चढ़ाने से जो फल मिलता है वो फल केवल
हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन कर कर हमें प्राप्त हो जाता और हमारा आधा कष्ट उस फुलेरे के दर्शन से समाप्त हो जाता। उस फुलेरे दिल से करें, दिल से शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र। बूढ़े बाबा ने आकर कहा, बेटी बन सके तो तुम 7 किलो जल शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण कर चढ़ा दो और उस पर 7 पत्तियां चढ़ा दो। बेटी को क्रोध आ गया और मंदाती को क्रोध आकर कहा, बूढ़े बाबा तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। बूढ़े बाबा मेरा पति चले गया और तुम कहती हो कि मैं शंकर की पूजन करूं। इतने में मंदाती को क्रोध आया, पास में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर बूढ़े बाबा के सिर पर मार दिया। बूढ़े बाबा के मस्तक से रक्त बहने लगा, बूढ़े बाबा चले गए। जैसे ही बूढ़े बाबा गए, मंदाती आंखों में आंसू भरकर अपने ससुराल की ओर जाने लगे। ससुराल मंदाती अपने ससुराल की ओर जा रही, खाना वाना खा रहे, अच्छा पानी वगैरह सब। पति के गले में गांठ हो गई थी, ऑपरेशन का पैसा नहीं था, शिवजी पे चढ़ाए हुए जल पर भरोसा कर बाबा देवाधिदेव महादेव ने ठीक करा। कह रही हैं, पति भी आए हैं, बेटे भी आए हैं, शिव की कृपा से बिल्कुल ठीक हैं और भगवान शंकर की करुणा। शिव तत्व शंकर ओखड़ी, शिव ओखड़ी। मंदाती ने पत्थर उठाया, बूढ़े बाबा को मारा, बूढ़े बाबा के चेहरे से सिर से रक्त बहने लगा, सिर से रक्त बह रहा था। मंदाती रो रही थी, ससुराल की ओर बढ़ने लगी, ससुराल की ओर चली। और जैसे ही मंदाती ससुराल की ओर बढ़ रही है, ससुराल की ओर जा रही है, मन में भय है, मेरी सास चिल्लाएगी मेरा बेटा कहाँ है, मेरा ससुर कहेगा मेरा बेटा कहाँ है, रो रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती। आंखों में अश्रु समाए और चलते 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 आज मंदाती जैसे ही नजदीक में पहुंची ससुराल के, याद आया ये वो शंकर जी का मंदिर है जहां मेरा पति रोज जल चढ़ाने जाता था, ये वो शंकर का मंदिर है जहां मेरा पति रोज जल चढ़ाने जाता था। शंकर के मंदिर को देखकर आंख में आंसू भर कर बोली, मेरा पति मुझसे रोज कहता था कि शिवालय चल, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने चल, शिव की आराधना कर, मैं गई ना, पर आज मेरा पति चले गया तो मुझे शिव की याद आ रही है। भूलवश रोती हुई मंदाती शंकर के मंदिर में आज चली ही गई और जाते से ही मंदिर में जितना सामान पड़ा था उसको बिलक कर हटाने लगी। महादेव तूने मेरा पति ले लिया, महादेव तूने मेरा पति ले लिया, महादेव तूने मेरा पति ले लिया, वो इतना जल चढ़ाने वाले को तूने ले लिया। भूलवश मंदाती जैसे ही मुड़ कर जाने लगी, बेलपत्री पत्तियां उसके साड़ी के पल्लू में अड़ गई, अड़ते से उड़ी, उड़कर शंकर पर जाकर गिरी। गिरते से ही मंदाती चक्कर खाकर नीचे गिरती है, मंदिर के लोग उठाकर उसको एक पेड़ के नीचे बिठा देते हैं। जैसे बिठाया, इतनी देर में वृक्ष के नीचे बैठी हुई मंदाती पर लोगों ने जल का छींटा दिया। जल का छींटा देते ही मंदाती क्या देखती है, उसके पास में एक पुरुष खड़ा हुआ है, वो उसको पानी पिला रहा है। पानी पीते समय पानी के पात्र में
पुरुष का दर्शन किया, वो पुरुष कोई दूसरा नहीं था, मंदाती का पति उसके पास में खड़ा हुआ। मंदाती का पति उसके पास, मंदाती का पति जैसे उसके पास में, स्वामी तुम यहां, तुम तो पानी में बह गए थे, तुम्हारा तो पानी में बहने के बाद 3 दिन तक पते ठिकाने नहीं थे, तुम कहां चले गए थे। इतने में पति ने कहा, मंदाती जैसे ही मैं पानी में बहा, पानी में बहते ही मुझे याद नहीं रहा कि क्या हुआ, इतने में पत्थर से मैं टकरा गया, पत्थर से टकरा कर वहीं पर मैं रुक गया, थोड़ा सा कचरा मेरे पास में एकग्रित हो गया, एक नाविक ने मुझे निकाला और नाविक ने निकाल कर मुझे एक और करा, और उस नाविक ने, बूढ़े व्यक्ति ने मुझे औषधि दी, और औषधि देकर आज मेरा स्वास्थ्य पूर्ण तरह से मैं ठीक हो गया। इतने में मंदाती ने कहा, ये मेरा कुछ नहीं है, मुझे लगता है आज तक मैं शंकर के मंदिर नहीं गई थी, शिव ने मेरी लाज रख ली। मंदाती ने अपने पति वज्र सुमन से कहा, मेरा पुण्य प्रबल नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति आया और बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे ओ मंदाती, तुझे नहीं मालूम आज सोमवार की अष्टमी है, भूल से भी शंकर के दरवाजे जो चला जाता है, भूल बस कुछ समर्पित भी कर देता है तो शिव उसकी झोली भर ही देता है। दिल से निवेदन करिए, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाइए, जहां भी जगह मिले तहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की भाव अवश्य करिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे, दिल से बोलेंगे, हृदय से बाबा को पुकारेंगे, साथ में बाबा से प्रार्थना करेंगे, जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान से भाव से प्रार्थना करेंगे। महापुराण की कथा वर्णन करती है, मंदाती का पति लौट कर वापिस आया। जहां विश्वास है वहां शिव है, जहां विश्वास नहीं वहां शिव नहीं। आप इतनी संख्या में बैठे हो, आपके अंदर अगर भरोसा है कि मैं जिस
कथा को सुनने के लिए आई हूं, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए मैं पंडाल में आई हूं। हमारे आसपास में ये कथाएं बहुत कम हो पाती है। दिल्ली वाले हों, नोएडा वाले हों, हरियाणा वाले हों, हमारे आसपास में ये कथा नहीं मिल पाती, पर मिली है। यादव परिवार अगर करा रहा है और कथा मिली है तो इसको छोड़ो, सुनो इसको, और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा सा समय हो सकता है कि देर। अभी एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम रिया मिश्रा है। मैं सफदरंजंग इनक्लेव नई दिल्ली से आई हूँ। मैं 22 वर्ष की हूँ गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो बेटा हाथ हिलाइएगा, और अगर बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। गुरुदेव, आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। गुरुदेव, पर पंडाल में बैठने के लिए भी मैं एक बात कहना चाहती हूं। गुरुजी, दुनिया का व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का, पर जब तक भोलेनाथ जी नहीं चाहते ना, तब तक वो पंडाल में भी नहीं पहुंच पाता। गुरुजी, मेरे पिताजी 30 साल से, मेरे पिताजी को 30 वर्ष हो गए, शराब के बिना एक मिनट नहीं रह पाते, मदिरा मदिरा का सेवन करते। गुरुदेव, शराब की वजह से ही उनकी तबीयत खराब रहती है, लोग अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं। अब करूं क्या? मैंने मेरी मम्मी से कहा, मां, वो सियोर वाले महाराज जी कहते हैं कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता है। मेरी मां ने कहा कि अपने आसपास में कहीं कथा नहीं हो रही, कहां जाएं। मेरी मां ने मन बनाकर सीहोर गई और 26 सितंबर 2023 की कथा को उन्होंने श्रवण किया। मैं भी उनके साथ गई, बाबा से प्रार्थना करी कथा के पंडाल में बैठकर कि मेरे पिताजी शराब छोड़ दें। गुरुदेव, हम कथा में से लौट कर आए, 10 दिन निकले, और 10 दिन के बाद मैंने शिवजी का चढ़ा हुआ जल मेरे पिताजी को दिया, एक बेलपत्र खाने को दी। उस दिन का आखिरी दिन था जिस दिन से मेरे पिताजी ने 26 सितंबर के बाद से एक बार भी शराब को हाथ नहीं लगाया, और मेरे पिताजी ने शराब को छोड़ दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि बाबा ने मेरी बात को स्वीकार किया, एक दिल से, भरोसे से, एक विश्वास के साथ। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम दीपा है, मेरे पति का नाम करण है, मैं दिल्ली से हूं। कहीं बैठी हो दीपा जी और करण जी, आप आकर बिलपत्र ले जा सकते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ ठीक है, आ जाइए आ जाइए, बिलपत्र लेकर जाइए। मेरे ब्रेस्ट में
एक गठान हो गई थी। दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में मैंने दिखाया, डॉक्टरों ने कह दिया कि ये गठान साधारण नहीं है, इसका ऑपरेशन होगा और इसको निकालना। मैं घबरा गई। ब्रेस्ट की गठान वैसे भी लोग कहते हैं कि ठीक नहीं होती है। डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब हम ऑपरेशन तो बाद में करा लेंगे, आप दवाई दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा ठीक है, मैं 15 दिन की आपको दवाई देता हूँ, पर आकर आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हम 15 दिन की दवाई लेकर आ गए। गुरुदेव, आप कहते हो कि कोई सी भी दवाई लो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाना प्रारंभ करो। आप कहते हो कि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, इसलिए हमने डॉक्टर को शंकर माना है, और शंकर मानकर उनसे दवाई लेकर आए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाना प्रारंभ करा, शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र चढ़ी हुई खाना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर नंदी के पास बैठकर बेलपत्री खा लेती और बाबा से कहती, बाबा 15 दिन के बाद ऑपरेशन होना है, आप कृपा करेंगे तो सब अच्छा होगा। गुरुदेव, मेरे पति के साथ में 15 दिन के बाद में जांच के लिए गई, बेलपत्री खाकर जल पीकर गई और बाबा के भरोसे पर मुस्कुराती हुई गई, क्योंकि मेरा विश्वास कहता है कि मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। जैसे ही डॉक्टर ने मेरी जांचें प्रारंभ करी और जांच में आया कि मेरे ब्रेस्ट में जो गठान थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते। एक शिव तत्व, एक ओघड़ी, एक शंकर हमारे भीतर विश्वास के साथ उत्पन्न। आपके पिताजी ने जैसी हिम्मत करी नशे को छोड़ने की, मेरा संपूर्ण देशवासियों से निवेदन है, आप भी अगर हिम्मत करोगे तो नशा मुक्त होगा मेरा भारत, ये निश्चित है। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकरो, एक भरोसा, एक विश्वास के साथ शिव हमें प्राप्त होते हैं, और अगर विश्वास है तो शिव जरूर मिले। देवराज नाम के ब्राह्मण जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गए, कभी शिवालय नहीं गए, कभी शंकर की चौखट पर नहीं गए, कभी शंकर के द्वार नहीं गए, वो देवराज ब्राह्मण भी शिव तत्व को प्राप्त हुए। बेटी को गठान हो गई थी ब्रेस्ट में, और शिव कृपा से ब्रेस्ट की गठान, बाबा शिव को जल चढ़ाते चढ़ाते हम फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शिव का एक रूप है, दिखाओ, जांच भी कराओ, वो दवाई दे, उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ, और साथ में शंकर पर एक लोटा जल जरूर। सारी समस्या का हल एक लोटा, और मूल स्मरण करो शिव महापुराण का, श्री शिवाय नमस्ते, मूल स्मरण। देवराज चोरी के धन को लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गए, जहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी, आवाज लगा रहे थे हर हर महादेव। जैसे ही आवाज लग रही थी, देवराज को क्रोध आ रहा था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, और यहां ब्राह्मण चिल्ला रहे, संत चिल्ला रहे, साधु चिल्ला रहे। क्रोध आया, चोरी का धन लेकर देवराज बाहर निकल गए। एक क्षण की, केवल एक क्षण की शिव पुराण उनने सुनी, एक क्षण।
दिल से अगर सुनी है तो एक ना एक दिन मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचता है। दिल से अगर सुनी, दिल से अगर श्रवण करिए तो मेरा कुबेरेश्वर बाबा जरूर पहुंचे। सुना चला, शरीर में ताप इतना था, चलते चलते बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। भगवान शंकर नंदी पर बिठाकर उसको लेकर जा रहे, उसके मन में खलबली हो रही है कि मेरे जैसा चोरी करने वाला पापी, मेरा जैसा छल करने वाला पापी, और भगवान शिव आप मुझे नंदी पर बिठा कर ले जा रहे हो, ये कैसे हो सकता है? कैसे? शंकर भगवान ने कहा, सुन देवराज, तेरी मां मेरे शिवालय में आकर एक लोटा जल समर्पित करती है, और उसी एक लोटे जल का यह प्रमाण हुआ कि तुझे शंकर के मंदिर में शिव महापुराण कथा सुनने का मौका मिला और बेलपत्री के नीचे तेरे प्राण छूटे, ये उसका फल है। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सब चढ़ाते हो? रखो, वापिस रखो। बहुत बहुत साधुवाद। जाना चाहिए, घर के बच्चों को, घर के माता पिता, ये जितने पत्र हैं ना, अभी बाकी के पत्र तो हम पढ़े नहीं हैं, ये जितने पत्र हैं इस पत्र में किसी के यहाँ 14 साल में, किसी के यहाँ 7 साल में, किसी के 8 साल में, किसी के ब्रेस्ट में, किसी के गले में, किसी के कहीं कई, किसी के कहीं कोई गठान, कोई बड़े से बड़ा रोग भी है, अगर शिव के मंदिर में जा रहे हो, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो ये निश्चित है कि मेरा भोलेनाथ तुम्हारे दुख को काटेगा जरूर। थोड़ी देरी हो सकती है पर दुख कटेगा जरूर। शिव प्राप्त करे, बोलबम का नारा है। अच्छे अच्छे जम के बोलो जरा, बोलबम का नारा है। हार हार, शिव तत्व की प्राप्ति अपने भीतर होना चाहिए। शिव तत्व की एक बिंदुग नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था। बिंदुग पानी में डूब कर मर गया था, इसलिए प्रेत योनि में चले गए। हमने कथा में पहले बताया है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं मिलती। पहला, पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, और तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ। स्त्री के हाथ से, इनकी गति नहीं। पानी में डूब कर बिंदुग मर गया। चंचुला काशी की यात्रा को गई, थोड़ी सी शिवपुराण कानों में पड़ गई, और पढ़ने के बाद उसका प्राण छूटा तो वो शंकर के धाम में पार्वती जी की सहेली बन गई। पर मन विचलित है क्योंकि पति की गति नहीं है, पति की मुक्ति नहीं हुई है, पति का मोक्ष नहीं हुआ है। अब करे तो करे क्या? मौन होकर बैठ गई। पार्वती जी ने एक बार पूछ लिया, चंचुला तेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं है, प्रसन्नता नहीं, क्या हुआ? चंचुला कहती है, मेरे पति की मुक्ति नहीं है। तो तू शिव महापुराण की कथा क्यों नहीं करवाती? किससे करवाऊं? देवऋषि नारद को श्राप लगा है कि वो एक जगह नहीं बैठ सकते, तो नारद से करवा नहीं सकती, किससे करवाऊं? देवऋषि नारद ने कहा, मेरे मित्र हैं तुमरुका जी। शिव जी का एक नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। हम पहले भी कथा में कहें, आज फिर कहते हैं, अगर 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो, 25 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो, 24 साल, 25 साल, 30 साल तक भी अगर औलाद नहीं हुई है,
तो एक सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों लेकर आए। रजो धर्म के सातवें दिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी पैसे घुमाकर 21 बार कमर में शंकर के शिवलिंग का दर्शन करते हुए नंदी के पास खड़े होकर शिव का दर्शन करते करते उसको बांधे साथ। क्यों ना, कितनी बड़ी भी समस्या में घिर गए हो, कितनी बड़ी भी तकलीफ है। बेलपत्री के मध्य भाग में पीला चंदन, दोनों भाग में लाल चंदन, और बेलपत्री के मध्य भाग को पकड़कर दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर बेलपत्री की डंडी का मुख उत्तर की ओर रखते हुए शंकर भगवान के शिवलिंग पर प्रतिदिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करना चालू करो। 15 से 20 दिन लगेंगे, तुम्हारा दुख कटेगा जरूर और मेरा शंकर संभालेगा जरूर। तुमरुकेश्वर महादेव सहजता नहीं। तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा कही, भगवान देवदिदेव महादेव ईश्वर जी और पार्वती जी गोरा जी बनी। दोनों ईश्वर जी गोरा बनकर, गणा और गोर बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें गणा गोर के लिए। गणगौर हमारे बीच में ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं, और ईश्वर जी और गोरा जी बनकर भगवान शंकर और पार्वती जी शिव महापुराण कथा के यजमान बनकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी गोरा जी के लिए। बोला हर हर महादेव। 5 दिन की कथा है, गुरुग्राम में हरतालिका फुलेरा शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज कथा का प्रथम दिवस,